about all these special guests and us. We have amongst us a very big personality, Muzaffar Hussain sir. And it's a great privilege for us to announce both him as well as to wish him congratulations as he has been appointed working president of Maharashtra Pradesh Congress Committee. Congratulations, sir. I would like Muzaffar sir to speak few words. सेंट एंथनी जूनियर कॉलेज के आज के इस इनॉग्रल फंक्शन में डायस पे मौजूद मीरा भयंदर के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री वल्वी साहब, इस सोसाइटी के चेयरमैन आदिल खान, कॉरपोरेटर जुबेर इनामदार, एपीआई श्री पाटिल, प्रिंसिपल मारिया डिसूजा, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और सभी स्टूडेंट्स, आदिल भाई को और इस इंस्टीट्यूट के सभी प्रोफेसर्स एंड टीचर्स को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आदिल भाई ने एजुकेशन के फील्ड में एक स्टेप और आगे बढ़ाया है. एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जिंदगी में आपसे उसे कोई छीन नहीं सकता. आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, वेल्थ खत्म हो सकती है, आप बैंकरप्ट हो सकते हो, तबाह बर्बाद हो सकते हो, मगर एजुकेशन एक ऐसी एसेट है, एक ऐसी वेल्थ है कि जो मरते दम तक के आपके पास रहती है, आपके साथ रहती है. और उसमें भी मुझे खुशी है आदिल कि यहाँ पे मैं बच्चियों को ज्यादा देख रहा हूं. बच्चियां हमारे धर्म में, वल्वी साहब हमारे प्रोफेट ने ये कहा था कि लड़कियों को पढ़ाइए, अगर एक लड़की पढ़ेगी तो 10 पुरुषों को पढ़ाएगी, 10 जनरेशंस. If one girl gets educated, she will teach and make it to see that if 10 generations get educated. ये हमारे धर्म ने, हमारे प्रोफेट ने ये बताया था. ये बात अलग है कि एजुकेशन के फील्ड में हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी पीछे है, मगर मुझे खुशी इस बात की भी है कि जिस शहर के अंदर आज आप लोग यहां रह रहे हो, इस शहर की संगे बुनियाद हमने, हमारी फैमिली ने डाली और पहले से ही फोकस रहा कि कम्युनिटी को एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां मुहैया होना चाहिए. आज खुशी है इस बात की कि एक ही महीने में 2 जूनियर कॉलेज बाजू की गली में, पिछले महीने सेंट हैरिस में हमने इनॉग्रेशन किया, आज सेंट एंटोनी में हम एंटोनी में यहाँ कर रहे हैं. नया नगर के इलाके के अंदर बानेगर जूनियर कॉलेज है, 3 साल पहले हमने अस्मिता जूनियर कॉलेज स्टार्ट किया, आज आपने स्टार्ट किया. तो एजुकेशन के फील्ड में कम्युनिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है. बच्चों को एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, दीन की तालीम और दुनिया की तालीम, रिलीजियस एजुकेशन एंड वर्ल्डली एजुकेशन, दोनों की जरूरत है. क्योंकि दीन का, दीन की तालीम, रिलीजियस एजुकेशन आपको प्रिंसिपल एंड एथिक्स सिखाता है और दुनिया में आने वाले हर मुश्किल के, मुश्किलों को किस तरह फेस करना है, ये आपको दुनिया की तालीम से नहीं मिलेगा, ये आपको दीन की तालीम से मिलेगा. और दीन की तालीम से ये मतलब नहीं कि उर्दू अल्फाज है दीन, रिलीजन. हर मजहब, जो इंसान जिस मजहब में उसका जन्म हुआ है, उसने अपने मजहब की तालीम मुकम्मल लेना चाहिए, पूरी तरह लेना चाहिए. ये जो माहौल दुनिया में आज है, इस मुल्क में है,
क्योंकि आप नए हो, आपने इतिहास पढ़ा नहीं है, हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, इसके लिए आपको लगता होगा कि ये क्या अफरा तफरी चल रही है इस मुल्क के अंदर। मजहब के ऊपर पूरी दुनिया में जंगे हुई है, लड़ाई हुई है, वॉर हुई है। आप हिस्ट्री देख लीजिए, आपके पास अभी इंटरनेट आपके हाथ में होता है, यूट्यूब चैनल पे सिर्फ गाने बजाना सुनने वो देखने के बदले और टिकटॉक करने के बदले में अगर आप हिस्ट्री को देखोगे वर्ल्ड की, आप जाइए 15 सेंचुरी, 11 सेंचुरी, 8 सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 1st सेंचुरी, बीसी में जाइए, तब भी आपको ये बात पता लगेगी कि हमेशा मजहब के नाम पे ही सत्ता स्थापन की गई है, धर्म के नाम पर ही, मजहब के नाम पर ही जंगे लड़ी गई है, वॉर्स हुई है। तो अगर आज इस मुल्क में जो भी अफरा तफरी मच रही है तो आप समझ लीजिए कि ये उसी जंग का एक हिस्सा है। और जंग में वही सक्सीड होता है, वही कामयाब होता है जो तालीम याफ्ता होता है, क्योंकि अभी की जो जंग है वो इस कलम की जंग है, जिसके पास इस कलम की ताकत होगी वो ये जंग जीतेगा। और इस कलम की ताकत के लिए आपको दीन की तालीम की जरूरत है, आपको दीन की तालीम की जरूरत है, क्योंकि दीन की तालीम आपको बताएगा कि आपको क्या सही है और क्या गलत है, कौम को, लोगों को, सोसाइटी को किस दिशा में आपको ले जाना है। आप बीकॉम हो जाओगे, बीएमएस हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, मगर अगर आपके पास में एथिक्स नहीं होगा, प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, तो आप सोसाइटी की सेवा और खिदमत नहीं कर पाओगे। सिर्फ उतना ही नहीं, आप एजुकेट तो हो जाओगे मगर अपने वालिद वालदैन के पेरेंट्स की भी खिदमत आप नहीं करोगे, भाई बहनों को उनका अधिकार और उनके हुकूक आप नहीं दोगे, आप समाज के हित में काम नहीं करोगे जब तक कि अगर आपके पास रिलीजियस टीचिंग और प्रीचिंग नहीं, क्योंकि रिलीजियस टीचिंग और प्रीचिंग में ही ये सारी चीज आपको मिलती है। तो आज जो भी जूनियर कॉलेज में यहाँ पे बच्चे एसएससी पास होकर के जूनियर कॉलेज में प्रवेश आज जो लोग ले रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए भी उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में ये फिर से एक बार ताकीद करता हूँ कि आप चाहे जिस मजहब के हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, आपको आपके मजहब की तालीम लेना उतनी ही न्याय की जरूरी है। जब तक कि आप वो नहीं लोगे तब तक के इस मुल्क में और दुनिया में इसी तरह की अफरा तफरी चलती रहेगी। हम एक दूसरे के ऊपर छींटे उड़ाते रहेंगे, एक दूसरे के मजहब को बुरी बातें बोलते रहेंगे, क्योंकि आपको हमको खुद को अपने मजहब की प्रीचिंग पता नहीं, टीचिंग पता नहीं, और इसीलिए हम दूसरों की तरफ उंगलियां दिखाते रहेंगे। कोई भी मजहब, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, कोई भी मजहब ये कोई भी किताब दुनिया में किसी मजहब को बुरा कहने के लिए नहीं कहती है। इस्लाम में भी कहा गया है कि 1.25 लाख पैगंबर हमने इस दुनिया में भेजे, 1.25 लाख पैगंबर मैसेंजर्स। कुरान में कहा गया है कि 1.25 लाख मैसेंजर्स भेजे, और हिंदू धर्म में कहा जाता है 33 कोटि, दैट इज बरोबर है ना, 33 कोटि देवी देवता या जगह मध्य अपनी पाठवले। आता 33 कोटि देवी देवता कोण आहे वडवी साहेब हे हिंदूलाही सांगता येत नाही, आणि 1.25 लाख मुस्लिम पैगंबर कोण आहेत हे मुसलमानांनाही सांगता येत नाही, आणि म्हणून सर्व सर्व धर्मग्रंथांमध्ये सर्व धर्माचा तुम्ही मान करावा, सम्मान करावा, त्याचा रिस्पेक्ट करावा, या पद्धतीचा उल्लेख त्या ठिकाणी आहे। अँड दॅट इज व्हॉट यू हॅव टू लर्न, डोंट गेट कॅरीड अवे with the unwanted videos and YouTube channels and Facebook posts which are coming, which are creating hatred among the people in the society. Don't get carried away. Think about it. Try to learn more about it. Go into more detail about it. You have Googles, you have the Wikipedias. Go into that subject and find out what is the fact. And once you find out the facts, you will come to know that all these things are rubbish, and whatever I am trying to tell you, convey the message that you have to preach your religion, you have to learn
educate yourself and work in the interest of the society and nation. Thank you so much. Once again, a lot of applause for Mr. Adil Khan, who has taken this initiative of building this institution. It's an institution. आप लोग हिंदू समाज में लगता है मदरसा, पटेल साहब, मदरसा के मायने होते हैं उर्दू अरबी में स्कूल, स्कूल, मदरसा के मायने होते हैं स्कूल। अब उस मदरसे के अंदर अरबी सिखाई जाती है, कुरान शरीफ सिखाई जाती है, कुरान शरीफ जो दुनिया की बेहतरीन किताब है, बेहतरीन एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें दुनिया के हर मसले मसाइल और चीजों के बारे में बताया गया है, उस स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो ये भी एक दुनियावी तालीम का मदरसा है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है। ये जब लोग सब चीज को पढ़ते हैं तब उनको समझ में आता है। इसके लिए आदिल भाई को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके प्रिंसिपल और उनके तमाम टीचर्स को, प्रोफेसर्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट जो है लोगों की खिदमत करेगा, नौजवानों को सही दिशा और दशा दिखाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।